भाई इंटरनेट में ताकत तो बहुत है, हमने काफी बार देखा है यार लोगों की जिंदगियां बदलते हुए, मतलब कि ऐसे जज्बात हालात सब बदल जा रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा होने वाला है। देखिए पिछले वीक जो एलिमिनेशन हुआ था वो बहुत गलत था, एवरीबडी न्यू कि भाई इस वाले एलिमिनेशन में तो जाएंगे यूकी रैपी बॉय और बनता भी उन्हीं का था, लेकिन शो में से निकाले गए कौन, GD47। और भाई इसका निकालने का सिर्फ एक ही पर्पज था कि भाई अगर वो भी चले जाते क्योंकि रैपी बॉय तो भाई किंकी गैंग में बचता कौन, अकेला पैराडॉक्स। तो भाई बस रियलिटी शोज भाई नाम के रियल रह गए, स्कैम चलता है चारों ओर। तो ऐसे में नेस और जीडी में से एक जाना था तो भाई GD47 चले गए, लेकिन इंटरनेट पर हो गया बवाल। एक तो भाई विराट कोहली ने यार जब शेयर कराया कुछ तो लोग तो फॉलो करेंगे, ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म हर कोई बंदा टाइप कर रहा है कि वी वांट GD47 बैक। और भाई अब ये वायाकॉम वालों की बन गई मजबूरी, हसल वालों की बन गई मजबूरी कि भैया ये तो वापस लाना पड़ेगा। और द डे GD47 आते हैं TRP भाई बूम करके ऊपर जाएगी और तगड़े गाने के साथ ही आएंगे, गाना तो वायरल होना ही है। देखिए कोई और कंटेस्टेंट होता तो वो वापस नहीं आता, चाहे वो क्यों ना MC स्क्वायर हो खुद, लेकिन जिस तरीके से एलिमिनेशन हुआ है वो बहुत गलत था। जो डिजर्विंग बनता था उनको निकाला गया, नॉन डिजर्विंग को रखा गया, तो भाई लोग तो साथ देंगे ही सही का। बाकी बहुत लोग बायकॉट के बारे में बोल रहे हैं तो फटी पड़ी है MTV असल वालों की, क्योंकि इस बार ऐसा है 2022 में जिसको बायकॉट के लिए बोल दिया ना तो लोगों ने कर भी दिया। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं आप एक्साइटेड हैं कि नहीं GD47 के कमबैक के लिए, किस एपिसोड में आएंगे वो अभी तक मेरे को पूरा पता नहीं चला है, बाकी आपको बता दूंगा बहुत जल्द जैसा जो भी होता है। बाय, जस्ट राइट डाउन खुश हैं या नहीं GD47 के आने से।